हेलो गाइस, अभी तक आपने हैव, हैज, हैड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस एवं पास्ट टेंस के वाक्यों हेतु किया है। शैल, विल के साथ हैव का प्रयोग एक बाध्यता, अनिवार्यता व्यक्त करता है। निम्न प्रकार के वाक्यों हेतु इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने हैव और हैज को देखा, अब हम विल और सेल। सेल और बिल आप पहले देख चुके हो। यहाँ हमने सेल और बिल जो फ्यूचर सेंटेंस थे गा गी गे उसमें देखा। अब हमको गा गी गे तो आएगा ही, गा गी गे तो आएगा ही, इसके साथ साथ यह आएगा जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बहुत ही अनिवार्यता कार्य है, अनिवार्य ही इसको तो करना ही पड़ेगा। जब हम सेल और बिल के साथ हैव को और ऐड कर देंगे, आप देखेंगे उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। इसका आप इंग्लिश बनाओगे, पहले सब्जेक्ट, बार बार ध्यान रखो, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमको बिल, सेल और हैव लगाना है, इसके बाद हमको वर्ब लगाना है, जो वर्ब जो क्रिया इसमें हो रही है, फिर अन्य वर्ब लगाना है। आप देखोगे उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू द स्टेशन। ही सब्जेक्ट है, ही के साथ विल आएगा, हैव टू और हर बिल जो बिल और सेल आएगा उसके साथ आपको हैव आना है। हैव क्यों आना है? जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ही विल हैव टू गो टू द स्टेशन। मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, मुझे पत्र लिखना पड़ेगा। आई सेल हैव टू राइट अ लेटर। यहाँ पर आप सोचोगे सेल क्यों आया? सेल इसलिए आया कि आई आया, आई। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे, सेल और बिल में एक चीज़ और होती है, यहाँ पर ये नहीं होता कि सिंगुलर और प्लुरल। यहाँ पर एक होता है कि सिंगुलर में ऐसे बिल आना है, प्लुरल में है, ऐसा नहीं है। सब जगह आपको बिल ही आना है। क्या आएगा? सब जगह ज़्यादातर बिल आएगा। सेल अकेला आई के साथ सेल आएगा और बी के साथ सेल आएगा, आई और बी के साथ सेल आएगा। इनके अलावा सभी जगह हमको क्या मिलने वाला है? बिल मिलने वाला है। जब आई होगी या बी होगा, हमके लिए बी होती है और मैं या मुझके लिए आई होती है, उनके साथ आपको, इन दोनों के साथ आपको सेल आएगा, इन दोनों के साथ सेल आएगा और सभी के साथ आपको बिल यूज करना है। मुझे पत्र लिखना पड़ा, आई सेल हैव टू राइट अ लेटर। उसे ताला तोड़ना पड़ा, ही विल हैव टू ब्रीक द लॉक। ब्रीक में तोड़ना होता है। राम को इंतज़ार करना पड़ा, राम सब्जेक्ट है, राम पहले आएगा, राम राम सब्जेक्ट है, उसके साथ आएगा विल हैव, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ेगा। विल हैव टू वेट, वेट मीन्स इंतज़ार। उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ही विल हैव टू सॉरी, टू बैक सॉरी। तुम्हें जयपुर रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिव एट जयपुर। आपको यह कार्य करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। दिस मतलब क्या? यह के लिए दिस आया है, डू मतलब कार्य, करना पड़ेगा वर्क। यू विल हैव एक साथ आएगा, विल हैव टू क्रिया क्या है? डू, डू मिस करना, दिस क्या करना है? वर्क, काम करना है। माता जी को कपड़े धोने पड़ेंगे, सब्जेक्ट क्या है? मदर, मदर के साथ आएगा विल हैव, धोना पड़ेगा, विल हैव टू। वर्ब क्या है? वॉश, मतलब कार्य क्या हो रहा है? वॉश, धुलने का। किसको धोना है? क्लॉथ को, द क्लॉथ। मेरी बहन को वहाँ जाना पड़ेगा, मेरी बहन को वहाँ जाना पड़ेगा। माय सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, विल हैव सबके साथ आ रहा, हेल्पिंग वर्ब है, माय सिस्टर, विल हैव वर्ब आएगी, वर्ब से पहले टू आएगा, टू गो, देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, मेरी बहन को वहाँ, वहाँ मीन्स देयर। आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, यू विल हैव टू ओबे मी, ओबे मिस आज्ञा, मी मिस मेरी। रमेश को मुझे भुगतान करना होगा, सब्जेक्ट रमेश,
रमेश के साथ विल हैव टू, भुगतान के लिए पे करना होगा, मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, मुझे तुमको पे करना होगा। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद क्या है, आपको यहाँ, आपको यहाँ ही पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए यू विल हैव टू स्टडी हेयर इटसेल्फ, हेयर यहाँ मेरे बेटे को कॉलेज जाना पड़ेगा, मेरे बेटे को माय सन पूरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्क है विल हैव टू गो टू कॉलेज, गो मींस वर्क है, वर्क के लिए टू आया, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, ही विल हैव टू वर्क हार्ड, पिताजी को फीस देनी पड़ेगी, माय फादर सब्जेक्ट है, विल हैव टू पे फीस, दुकानदार को सामान देना पड़ेगा, द शॉपकीपर ए सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्क, टू डिलीवर मींस वर्क, द गुड मतलब सामान, कंपनी को सामान वापस लेना पड़ेगा, कंपनी को सामान वापस लेना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है इसका, कंपनी को सामान वापस लेना पड़ेगा, द कंपनी विल हैव टू टेक, लेना मीन्स टेक, टेक बैक द गुड्स मतलब सामान, मुझे बच्चों को ध्यान से रखना पड़ेगा, आई शैल हैव टू टेक केयर ऑफ किड्स, मेरी पत्नी को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, माई वाइफ विल हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, वी शैल हैव, वी के साथ शैल आया, हैव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा रहा है, नेगेटिव, अब आप देख रहे हो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव वाक्यों में नॉट को शैल विल के बाद प्रयोग किया जाता है, जैसे आप देखेंगे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका शैल विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद है आएगा फिर इंटरनेट और साधारण होगा उसको आएगा, इस आधा आपका नॉर्मल सेंटेंस था पहले, ही विल हैव टू स्टे हियर, ही विल विल बाद नॉट आया, देखेंगे विल विल नॉट हैव टू स्टे हियर, आई शैल हैव टू गो देयर, आई शैल नॉट हैव टू गो देयर, दे will have to attend the meeting, they will not have to attend the meeting, वो वाला सेंटेंस है, मीटिंग लेना पड़ेगी, अटेंड करना पड़ेगी, पड़ेगा, she will have आ रहा है, to beg sorry, she will not have to beg sorry, we shall have to accept these terms, we shall not have to accept these terms, इसी से प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हेतु विल शैल को सब्जेक्ट से पूर्व निम्न प्रकार से लिखा जाता है, आप देखेंगे अब हम अभी नेगेटिव सेंटेंस से अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, फिर हैव आएगा, इंटरनेटिव आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यह क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है जो अपन हिंदी में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, वाक्य ही विल हैव टू अटेंड द कोर्ट, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में अटेंड होना है, तो विल हैव, विल पहले आ गया, इसका मतलब क्या 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 आपको जाना पड़ेगा, विल विल ही हैव टू अटेंड द कोर्ट, गर्ल्स विल हैव टू पुट ऑन द स्कार्फ, Will girls have to put on the scarf, boys will have to wear the uniform, will boys have to wear the uniform, we shall have to forgive her, shall we have to forgive her, I shall have to complete my work within 3 days. Shall I have to complete my work
Shall I have to complete my work within 3 days? इसी प्रकार के सेंटेंस देखे आपने। अब आप देखोगे यहाँ उस ध्यान से देखें इन चीजों को। सामान्य सेल, सामान्यतः सेल का प्रयोग आई और बी के फर्स्ट पर्सन के साथ था। विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन आप देख रहे हो जो आई और बी होते हैं, फर्स्ट पर्सन में और हम उक्त स्ट्रक्चर में हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हैव का प्रयोग होता है, विल और शैल के साथ हैज का नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग विल और शैल के बाद किया जाता है, हैव के बाद नहीं किया जाता। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय आपको ध्यान देना है शैल और विल को सब्जेक्ट के पूर्व प्रयोग किया जाता है। इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर में किसी मजबूरी आवश्यकता अनिवार्यता को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। सामान्य स्थिति में सब्जेक्ट प्लस एजेमार इंटरनेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर टाइम में एक्शन को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको इसमें क्या है, आपको उक्त स्ट्रक्चर के कम से कम 30 वाक्य सेम अपने आप से बनाना है। अपने आसपास अपने परिवार मित्रों और पड़ोसियों के संबंध में बनाना है। इसी प्रकार आप बनाना है सभी वाक्यों को बोल कर बार बार अभ्यास करें। इससे आप इंग्लिश सीखोगे। इंग्लिश सीखना उतना कठिन नहीं है, आसान भी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे जरूर सीख जाओगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक।